हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। गाइस, अगर आप हिमाचल प्रदेश एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपने मॉक टेस्ट परचेस नहीं किए हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है प्रिक्स ऐप में। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से इसको आप डाउनलोड करें और वन पास वाले आइकन पर क्लिक करके आपको एक ही पास में बहुत सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे, जैसे कि HP एलाइड के, HP पुलिस कांस्टेबल, HP जो IT, HP टेट, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, HP करंट अफेयर, ये सभी एक ही पास में मिलेंगे और ये सब आपको 50% डिस्काउंट में मिल रहे हैं। तो आपने कूपन कोड यूज़ करना है पंकज50 एंड तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा। और आप अगर 1x1 भी खरीदना चाहते हैं तो उसको भी आप खरीद सकते हैं, कूपन कोड सेम रहेगा। चलिए डिस्कस करते हैं आज का पहला क्वेश्चन कि विद विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्टर YS परमार वॉज नॉट एसोसिएटेड। ऑप्शन है आपकी सब जज एंड मैजिस्ट्रेट आई क्लास सिरमौर, सेक्रेटरी पोंटा क्रिकेट क्लब, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज सिरमौर स्टेट एंड मेंबर थियोसॉफिकल सोसाइटी देहरादून। पूछा है कि इनमें से किससे वो एसोसिएटेड नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर आपकी बी, सेक्रेटरी पोंटा क्रिकेट क्लब के ये नहीं थे, ये थे आपके, याद रखना, नाहन। कलर मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ से, ये थे आपके नाहन के, पोंटा के नहीं थे, नाहन क्रिकेट क्लब के ये सेक्रेटरी थे, जो कि 1937 से लेके 1939 तक थे। तो ये होगी चार ऑप्शन आपके, ये तो चार थे ही थे। इसके बाद ये मेंबर थे सेवा समिति नाहन, ये भी याद रखें, सेवा समिति नाहन के मेंबर भी थे ये। इसके बाद आपके ये 1919 से लेके 1920 तक, इसके बाद ये प्रेजिडेंट थे आपके ये ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के 1947 में, और ये एडवोकेट थे जुडिशियल कमीशन कोर्ट हिमाचल प्रदेश में। तो ये सारी बातें आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंटा रोजा एंड मैरिकोजा द वैरायटी ऑफ, तो ये किस चीज़ की वैरायटी है सेंटा रोजा एंड मैरिकोजा। राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये पलम की वैरायटीज़ है। तो आपको बताना है कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीर पेजेंट कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर है हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है, राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए, सोलन डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन्यूस्क्रिप्ट रिटन इन गोल्डन वर्ड्स वॉज फाउंड इन विच वैलीज ऑफ लाहौल वैली। ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट रिटन है गोल्डन वर्ड में, ये कौन से, मतलब लाहौल वैली के कौन से विलेज में पाया गया है, राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, थालोग विलेज। नेक्स्ट वन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट सरदार शोभा सिंह। ऑप्शन है कि ये आर्मी में सर्व करते थे, बीबी इंद्र कौर रेंटर, मतलब बीबी इंद्र कौर ने इनको एक हट दिया था अंद्रेटा में, और इनकी पेंटिंग चूँकि सोनी महिवाल वाज बाउट बाई दी कर्ण सिंह। तो इनमें से कौन कौन सी सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर थ्री भी सही है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर वन एंड थ्री, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ लिखा है कि बीबी इंद्र कौन रेंटेड ही में हर्ट एट अंद्रेता, नहीं, इन्होंने नोरा रिचर्ड ने इनको रेंट पे दिया था हर्ट। तो यहाँ पे नोरा रिचर्ड कर लेना, ठीक है, नोरा रिचर्ड्स इन्होंने हट दिया था इनको रेंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द वाइस चेयरमैन ऑफ टेरिटोरियल काउंसिल फॉर्म इन 1956। क्वेश्चन पूछा है वाइस चेयरमैन, ना कि चेयरमैन। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका विद्याधर, ये आपके वाइस चेयरमैन थे, और करम सिंह ठाकुर ये आपके चेयरमैन थे, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकोरेक्ट अबाउट द मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। इनकोरेक्ट पूछी है पहला कि ये जो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है, ये 25 जुलाई 2018 को इसको लॉन्च किया गया था। गवर्नमेंट लैंड कैन बी लीज्ड ऑन 1% ऑफ एक्चुअल रेट ऑफ लैंड, इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन लोन विल बी गिवन फॉर 3 ईयर्स। तो इसमें इनकोरेक्ट बताना है, तो इसमें आपकी इनकोरेक्ट रहेगी पहली एंड तीसरी, ये पहली एंड तीसरी आपकी इनकोरेक्ट रहेगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें तो हो गया राइट। इनकोरेक्ट क्यों है, अब इसको हम ठीक करते हैं। तो इसको जो लॉन्च किया गया था ये 25 जुलाई को नहीं, 25 मई को किया था, ठीक है, ये याद रखना आपने, 25 मई को और 2018 को इसको लॉन्च किया गया है। और तीसरी ऑप्शन जो है इसमें
ट्रस्ट जो कि सब्सिडी है ऑन लोन के ऊपर, ये आपके 3 साल के लिए नहीं, 5 साल के लिए दी जाती है, ठीक है। और दूसरी जो है ये तो करेक्ट है ही है। और इसमें जो एज ग्रुप, जो फोकस एज ग्रुप है वो है 18 से लेके 35 ईयर्स का, ठीक है। तो ये आपने कुछ बातें ध्यान में रखनी है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के बारे में। नेक्स्ट वन इज इन विच ईयर हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट स्टार्टेड परशुराम अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स। तो परशुराम जो अवार्ड्स थे स्पोर्ट्स के लिए हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको कब स्टार्ट किया गया था? राइट आंसर रहेगा इसमें 1987, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर है। और आपको पता होगा कि सबसे पहले जो परशुराम अवार्ड वो दिया गया था सुमन रावत को, और ये एथलीट थी, ठीक है, सुमन रावत, इनको सबसे पहला परशुराम अवार्ड मिला था 1987 में, और ये एथलीट थी, ठीक है, एथलेटिक्स से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु सेंट हिज यंगर ब्रदर किशन सिंह टू रिकवर नाचन फ्रॉम मंडी। तो किसने अपना जो छोटा भाई था किशन सिंह को भेजा था नाचन, टू रिकवर नाचन फ्रॉम मंडी, ठीक है, नाचन को रिकवर करने के लिए कहाँ से? मंडी से। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका रणजीत सेन, ऑप्शन नंबर बी रणजीत सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड एल्गिन डाइड इन 1863 एट। देखिए मैक्सिमम इसको सब करेंगे धर्मशाला में जो कि मैकलो में है, ठीक है, बट इसको पूछा है कि ये डाइड कहाँ हुए थे। अभी उनकी तो वहाँ पे वो एक चर्च भी है और उनकी जो समाधि भी वहाँ पे है, बट समाधि नहीं पूछा है, डाइड पूछा है। तो राइट आंसर रहेगा ये चौंतड़ा में मरे थे, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी चौंतड़ा में ये इनकी मृत्यु हुई थी। याद रखना आपने 1863 में, तो ये डेट भी पूछी जा सकती है, ठीक है। तो गाइज ये थे आज के क्वेश्चन। आपके कितने क्वेश्चन इसमें से ठीक हुए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अपना स्कोर। एंड मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।